ठीक है, ओके फाइन। देखो ये जो फॉर्मूला है हमने कल ही डिराइव किया था, प्रेशर का एक्सप्रेशन, राइट, पी इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस द होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर? ओके, सो रो को हम क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने अगर वन मोल गैस कंसिडर किया है तो मास मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इज दैट क्लियर? अच्छा, मास को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू एम, एन ए क्या है, अवोगाड्रो नंबर, प्लस एम, एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है ना, ओके, इंटू डिवाइडेड बाई वी, ये वी वॉल्यूम है, इंटू वी आर एम एस द होल स्क्वायर। सो ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ऊपर टू मल्टीप्लाई किया, नीचे टू मल्टीप्लाई किया। मैं बता देता हूँ हम क्या निकालना चाहते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल का, एक गैस मॉलिक्यूल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है, हाफ एम वी आर एम एस द होल स्क्वायर, ये निकालना है, मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ, इज दैट क्लियर? हाफ एम चुमका सुनिए ना, वी आर एम एस द होल स्क्वायर, इसलिए मैंने टू पर मल्टीप्लाई किया, नीचे टू मिल गया, हाफ एम वी आर एम एस द होल स्क्वायर, और बाकी सबको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। पी वी को हमने वन आर टी लिखा, वन मतलब वन मोल, ठीक है ना, तो वन आर टी लिखा है, ओके, टू बाई थ्री यानी ऐसे ही रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी ये जो है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हमको क्या मिला, ध्यान से देखो, दैट इज 3/2 आर बाई एन ए इंटू टी, करेक्ट, और आर बाई एन ए को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, के लिख देंगे हम इसको, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ के टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज क्यों बोला, बिकॉज हमने आर एम एस यूज़ किया है। एक्चुअली में तो सबका स्पीड्स अलग अलग है, सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, और मैंने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा एवरेज लेके काम करते हैं, ठीक है ना, इज दैट क्लियर? तो जहाँ पर भी तुम्हारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज़ है जो कि वेरी कर रहा है, वहाँ पर हमको एवरेज यूज़ करना पड़ता है। और स्पेशली अगर तुम्हारे पास ऐसे क्वांटिटीज़ है, तुमको ऐसे क्वांटिटीज़ के साथ डील करना पड़ रहा है जिनका वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ऐसे केसेज में हम आर एम एस यूज़ करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसका एवरेज ले लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, राइट, स्क्वायर के इफेक्ट को रूट क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव का इफेक्ट ना पड़े, इज दैट क्लियर? आगे जाके तुमको एसी में भी मिलेगा, क्लास 12 में ऑल्टरनेटिंग करंट सुना होगा ना, उसका वोल्टेज एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अगर उसका एवरेज पूछोगे ना तो जीरो आएगा, बिकॉज जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। तो ऐसे केस में हम एवरेज करंट नहीं निकालते या एवरेज पोटेंशियल नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, आर एम एस वोल्टेज निकालते हैं, आर एम एस करंट निकालते हैं, टेक्निक एक ही है, समझ में आया, इज दैट क्लियर? ओके फाइन, ये हो गया। ये तो इन तीनों के बारे में तो ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उसमें मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होता है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तुमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इसका डिराइवेशन नहीं चाहिए, है भी नहीं, फैक्ट है, इज दैट क्लियर? देखो पैटर्न एक ही है, वी आर एम एस का अगर तुमको फॉर्मूला याद है ना, वी आर एम एस यहाँ से, इट वॉज रूट ओवर व्हाट, इसमें 3 की जगह 2 आ गया, राइट, और पी बाई रो को हम क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई कैपिटल एम, है ना, और कैपिटल एम को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू छोटा एम, बट छोटा एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और आर बाई एन ए को हम क्या लिख सकते हैं, के, तो 2 आ गया, तो पैटर्न एक ही है। नेक्स्ट क्या आता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है, देखो एवरेज वेलोसिटी पूछता तो 0 होता, एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, बिकॉज हमने डायरेक्शन को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। व्हाट इज एवरेज स्पीड, इज जस्ट द सिंपल अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, कैसे, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई एन, इज दैट क्लियर? और उसका वैल्यू कितना आता, उसका वैल्यू आता है तुम्हारा, ध्यान से देखो, रूट ओवर ऑफ कोफिशियंट क्या बदल गया, 8/π आ गया, आर एम एस का 3 होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का 2 होता है, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे जो तुमको अच्छे से याद रखना है, और एवरेज का क्या आता है, 8/π आता है, बाकी सारा चीज़ सेम है, पी बाई रो, आर टी बाई एम, के टी बाई एम, ये है मोलर मास है, ये छोटा एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, इन सब चीज़ों में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना, रेशियो ये होगा, ऑब्वियसली आर एम एस स्पीड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कोई डाउट, पक्का, ओके पॉज करना, ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक चीज़ बता दे, एक चीज़, ये देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है, सबका मासेस अलग अलग, मानते हो ना, सबका मासेस अलग अलग, लेकिन अगर सबका टेम्परेचर सेम हुआ, वॉट एवर बी द गैस, उस गैस का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का होगा, एक मॉलिक्यूल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी,
वो सेम होगा, वट एवर बी द मास, वट एवर बी द काइंड ऑफ गैस, ये याद रखना, ठीक है ना, लिख के भी रखना, ठीक है, डन। एक छोटा सा करेक्शन, राइट, इसमें लिखने में हमने गलती किया था, रूट ओवर ऑफ 3 पहले आएगा, उसके बाद रूट ओवर ऑफ 8 बाई पाई एवरेज के लिए, उसके बाद क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 2, ठीक है, डन। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस पढ़ लिया ऑलरेडी तुम लोगों ने केमिस्ट्री में, रिविजन एक बार, ठीक है ना, मुझे नाम कभी याद नहीं रहता, कॉन्फेशन, ठीक है, इसने पहले से लिख के रख दिया और उसका याद है मुझे। देखो यहाँ पर है ये जो फॉर्मूला है, P इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस द होल स्क्वायर, और उसका दूसरा वर्जन क्या है, रो के जगह हमने मास बाय वॉल्यूम लिख दिया, चलेगा। अच्छा, हमने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या बोला, इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर और आर एम एस का बहुत गहरा रिश्ता नाता है, पता है ना, राइट, वी आर एम एस इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेम्परेचर। अगर मैंने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी आर एम एस भी कांस्टेंट होगा। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इन दिस केस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, ध्यान देना, वी आर एम एस का नहीं, तो यहाँ पर देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, वी आर एम एस कांस्टेंट है, वी आर एम एस कांस्टेंट है, एम तो मोलर मास है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 1/3 तो कांस्टेंट ही है, तो पी वी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ही बॉयल्स लॉ है। ये पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू का मतलब क्या है, उसी गैस का स्टेट है, स्टेज है वो, समझ में आया ना, उसी गैस का क्या है, स्टेज है, जब वॉल्यूम वी वन है तब प्रेशर पी वन था, फिर वॉल्यूम को बदल के तुमने क्या बना दिया, वी टू बना दिया, तब उसका प्रेशर कितना हो गया, पी टू हो गया। तो उसी गैसेस के अलग अलग स्टेजेस का जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पी वन इंटू वी वन इज इक्वल टू पी टू इंटू वी टू, क्लियर, बात को समझो, मास कभी बदलता नहीं है, गैस का मास कभी चेंज होगा नहीं, मास कभी बदल नहीं सकता। तो क्या मैं इसको वॉल्यूम को मास माई डेंसिटी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम बदलेगा तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी भी चेंज होगा, लेकिन मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और सेकंड केस में, सेकंड स्टेज में पी टू तो है, वी टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बाई रो टू लिख सकते हैं, इज़ दैट क्लियर। देखो ये तो बहुत ही फेमस है, सबको पता है, कभी कभी हमको डेंसिटी के टर्म्स में भी लिखना पड़ सकता है प्रॉब्लम्स में। तो मास मास दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, पी वन बाई रो वन इज इक्वल टू व्हाट, पी टू बाई रो टू। देख के रखो, तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो जल्दी से हो जाएगा, मतलब सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ पी वी इज़ ए कांस्टेंट, ध्यान देना, पी वी इज ए कांस्टेंट, तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट को सी बाई वी ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वी एक वेरिएबल है, पी एक वेरिएबल है, इज दैट क्लियर। दिस इज ऑफ द फॉर्म वाई इक्वल टू सी बाई एक्स, बोलो ना। तो यहाँ पर अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाओ, बात को समझो, जब वॉल्यूम बहुत कम है, प्रेशर बहुत हाई है, तो ग्राफ यहाँ से चालू होगा, और जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, सो द ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, इज दैट क्लियर। इन दिस केस प्रेशर जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, बस यही बताना था इस केस में, करेक्ट। अभी आगे बढ़ाते हैं, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, इसको कैसा लॉ है, ठीक है ना, दिस इज चार्ल्स लॉ, इफ प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, दिख रहा है, क्लियर है, पी अगर कांस्टेंट है, बोलो ना, तो मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, बिकॉज 1/3 कांस्टेंट है, मोलर मास हमेशा कांस्टेंट होगा, इज दैट क्लियर, ओके। अगर मैं 1 मोल पकड़ता हूँ या m टोटल मास अगर पकड़ते हैं, तो वी आर एम एस द होल स्क्वायर एंड वी आर एम एस द होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वर टेम्परेचर, इज दैट क्लियर। तो फाइनली वी एंड अप विद सेइंग दैट वॉल्यूम जो है, ये v क्या, ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज वर्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम क्या लिखेंगे, वी वन बाई टी वन लिख सकते हैं ना, मतलब वी बाई टी इज ए कॉन्स्टेंट, वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वट, वी टू बाई टी टू। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इज दैट क्लियर, ओके फाइन। यहाँ पर अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ध्यान देना, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूँ, इक्वल लिखा जाएगा और एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा, लेट अस से दैट इज सी, इसको मैंने टी लिख दिया, तो दिस को अगर मैं वायर एक्स के साथ कंपेयर करूँ, ग्राफ का इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ, तो वी जो है इट विल बी एक्टिंग लाइक वाई, दिस इज कॉन्स्टेंट सी, and temperature will be acting like x, y equal to cx, this is a linear equation, graph will be a straight line passing through the origin, is that clear?
चाहिए ये सब बाद में, इसलिए सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज टेम्परेचर, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इन दिस केस वॉल्यूम इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज दैट क्लियर। यहाँ पर भी डेंसिटी ला सकते हैं ना, जहाँ पर भी वॉल्यूम दिख रहा है डेंसिटी तो आ ही जाएगा। वॉल्यूम कम लिखेंगे फिर से, मास बाई डेंसिटी। एक तो ये फॉर्म है ही, ये तो पढ़ते ही आ रहे हो तुम लोग। और वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं, एम बाई रो वन टी वन, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम बाई रो टू टी टू। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, रो वन इंटू टी वन इज इक्वल टू व्हाट, रो टू इंटू टी टू, राइट। इस फॉर्म में भी इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो इम्पॉर्टेंट है ग्राफ याद रखो, कैसा ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसा वो तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है, इतने सारे लॉज है। तुमको टेक्निक याद रखना है, पी वी कॉन्स्टेंट मतलब पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वी डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ऑफ दी फॉर्म वाई इक्वल टू सी एक्स। तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये रो वन बाई टी वन याद नहीं रह सकता है, लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये अगर याद है तो यहाँ तक कैचअप कैसे पहुँच सकते हो। वॉल्यूम को क्या लिख दोगे, मास बाई डेंसिटी लिख दोगे तो पहुँच जाओगे वहाँ तक। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, वॉल्यूम मीन्स कॉन्स्टेंट, फिर से इसी फॉर्मूला के पास जाएंगे। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मतलब प्रेशर इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू वी, आर एम इज द होल स्क्वायर, एंड वी आर एम इज द होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू अ टेम्परेचर, विच इम्प्लाइज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पी इक्वल टू सी इंटू टी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू वाई इक्वल टू सी एक्स, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नया कुछ है नहीं, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर, ऐसा कुछ होगा, प्रेशर इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, टी को अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे या टी को इस तरफ लेके आ जाएंगे, पी बाई टी विल बी ए कॉन्स्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू। बस चलेगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। ओके, एवोगाड्रो लॉ ये भी पता है, लेकिन समझ में आता ही नहीं आता। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है सबका, बहुत सारे गैसेस अलग अलग गैसेस हैं। यहाँ पर जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसी गैस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी गैस का अलग अलग स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हम अलग अलग गैसेस ले रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है मतलब वी आर एम एस सेम है, इक्वल वॉल्यूम है मतलब वॉल्यूम भी सेम है। तो ये बोला जा रहा है कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके ठीक है, देखो फॉर द फर्स्ट गैस पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई थ्री, एम तो मास था ना, एम वॉज मास, तो इसको मैं इन दिस केस एन वन इन टू एम वन लिख दूँ, मास ऑफ द गैस चलेगा। वेर एम वन इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन वन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज दैट क्लियर। तो 1 बाई थ्री एम, एंड यहाँ पर होगा वी वन द होल स्क्वायर, वी वन एक्चुअली वी आर एम एस है, पहले वाले गैस का वी आर एम एस है, दो गैसेस ले रहे, चलेगा ना, चलेगा ना, पक्का। अच्छा सेकेंड गैस के लिए भी, गैस के लिए भी मैंने पी वी रखा, क्यों पी वी रखा, बिकॉज बोला गया कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों केस में क्या है, सेम है, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज वन बाई थ्री, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन टू मान लिया मैंने, ये तो प्रूव करना है कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रूव करना है तो मैंने अलग मान लिया। हमको फाइनली क्या दिखाना है कि एन वन का वैल्यू बराबर एन टू होगा, इज दैट क्लियर। तो एन टू आ गया, इसका मास मैंने एम टू मान लिया, और यहाँ पर वी टू स्क्वायर लिख दिया, कन्फ्यूज मत होना, वी टू आर एम एस पी डी है उस गैसियस सैंपल का, इज दैट क्लियर। इधर भी पी वी, इधर भी पी वी, दोनों सेम क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इज दैट क्लियर। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री कैंसिल आउट, राइट। हमको क्या मिलेगा, देखो एन वन एम वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू एम टू वी टू स्क्वायर, चलेगा पक्का। ओके, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है वट एवर बी द काइंड ऑफ गैस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, अभी तो बताया था जब एनर्जी का डिराइवेशन किया। सो एस टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ गैसेस, है ना, तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा, हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। सो कैन आई से
m1 v1 square is equal to what? m2 v2 square, which means they cancel out, right? In this case, हम क्या प्रूव कर सकते कि n1 is equal to what? n2, hence proved. दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? सेम हो गया. इज दैट क्लियर? पक्का? चले. नेक्स्ट हो गया ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. पढ़ा इसके बारे में? क्या पता तुमको क्या होता है? अच्छा, डिफ्यूजन क्या है? चलो मैं बताऊँ. डिफ्यूजन क्या है? व्हेन गैसेस मिक्स विथ ईच अदर, राइट? फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास दो कंटेनर्स हैं, इमेजिन करो, दो बल्ब्स हैं, उसके बीच में कनेक्टर है ऐसा, और बीच में एक स्टॉप ब्लॉक है. मतलब खोल दूंगा तो क्या होगा? बोथ द गैसेस विल स्टार्ट मिक्सिंग विथ ईच अदर. व्हाई विल द गैस फ्लो फ्रॉम वन वेसल टू द अदर वेसल? बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन डिफरेंस. तो कंसेंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण, when gases flow from a region of higher concentration to a region of lower concentration, this process of dispersion of gas is called as diffusion. Is that clear? तो यहाँ पर और एक चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, राइट? रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट तो समझ में आता है कि पर यूनिट टाइम कितना गैस मिक्स हो रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, राइट? तो देखो, ग्राहम ने ये कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, देर हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू द आर एम एस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ऑब्वियस नहीं है क्या? मॉलिक्यूल्स का स्पीड ज़्यादा होगा तो फास्ट फास्ट डिस्पर्स करेगा, फास्ट फास्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. डू एग्री विद दिस, राइट? सो अगर मैं कहता हूँ देयर आर टू गैसेस, से टू गैसेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आर वन एंड आर टू. ध्यान देना, आर वन एंड आर टू चलेगा. सो कैन आई से आर वन बाई आर टू, दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, right? Amount of gas diffusing per second. Can I say this is equal to V RMS of the first gas divided by V RMS of the second gas? Obvious नहीं है क्या? जितना fast move कर रहा होगा उतना जल्दी disperse करेगा, right? V RMS का formula क्या है? Root over of 3P by rho 1. और ये कितना होगा? 3P by rho 2. P हमने same क्यों रखा? लिखा हुआ है two gases at the same temperature and pressure. समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पर 3P कैंसिल आउट हो गया और ये फाइनली क्या हो जाएगा? दिस इज रो 2 बाई रो 1. सो इन दिस केस देखो, R1 ऊपर है, रो 1 नीचे है, मतलब दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. सो कैन आई से रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस? दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. समझ में आया? दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. कोई डाउट? पक्का? ओके, चलो पॉज करो. और ऑब्वियस है ना यार, पॉज. डेल्टन स्लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा इसके बारे में, राइट? एक वेसल है, वेसल में वैरायटी काइंड ऑफ गैसेस है, राइट? बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो ये कहता है कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. स्टार्ट करें? ओके, सो टॉकिंग अबाउट डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, पता ही होगा, वेसल है, वेसल में अलग अलग गैसेस है, राइट? तो ये लॉ ये कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, टोटल प्रेशर जो होगा, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस ऑक्युपाइंग द सेम वॉल्यूम एज अ मिक्सचर. मतलब सोचो, ये अगर कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैसेस है, पहला वाला गैस P1 लगा रहा है, P2 लगा रहा है, P3 लगा रहा है, तो नेट प्रेशर जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू P1 जो है ना, अगर मैं सिर्फ पहले वाले गैस को इस कंटेनर में छोड़ दूँ तब जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो है P1, राइट? नेक्स्ट केस में सिर्फ इस कंटेनर में अगर सेकेंड वाला गैस को छोड़ दूँ तब जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो होगा P2. इज दैट क्लियर? तो टोटल प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट? इसको प्रूव कैसे करेंगे? बहुत ही बेसिक प्रूव है, मतलब लॉजिकली है कि अगर कंटेनर है, मैंने पहले भी बताया था कि कंटेनर में प्रेशर कैसे जनरेट होता है, मॉलिक्यूल्स जाके जब कंटेनर को हिट करता है, डू एग्री विद दिस? हिट करेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो प्रेशर जनरेट होगा. अभी कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग वैरायटी के, पहला ग्रुप 1 वाला ग्रुप जाके भी हिट कर रहा होगा, 2 वाला ग्रुप जाके भी हिट कर रहा होगा, 3 वाला ग्रुप भी जाके हिट कर रहा होगा. इज दैट क्लियर? तो कैन आई से दैट द नेट फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5. F1 1 वाले ग्रुप के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, F2 जो है 2 वाले ग्रुप के जो मॉलिक्यूल्स है जो हिट कर रहे हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि F का वैल्यू जो है, देयर इज F1 प्लस F2 टिल FN.
प्रेशर चाहिए, एफ इज द नेट फोर्स, इसको हम क्या करेंगे एरिया से डिवाइड करेंगे, बोलो ना। तो अगर हमें एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एफ बाई ए, ये कितना हो जाएगा एफ वन बाई ए टिल एफ एन बाई ए, व्हाट इज एफ बाई ए टोटल प्रेशर, व्हाट इज एफ वन बाई ए प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वन ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस पी टू प्लस पी, यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बात समझ में पक्का, बस हो गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। आई होप सो वी हैव डन विद ऑल द लॉस, वी आर डन विद दिस, पॉज कर सकते हो। ओके देखो अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि गैस का स्पीड क्या है, दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन, पहले भी बताया था कि तुम जवाब दे ही नहीं पाओगे। सर अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड है, सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कोलाइड कर रहे हैं, हर कोलिशन के बाद उनका स्पीड बदल जा रहा है। सो दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क, द राइट क्वेश्चन टू आस्क इज दैट कि स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, हाउ इज द स्पीड डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वन मीटर पर फॉर एग्जाम्पल वन मीटर पर सेकेंड वाले ग्रुप में कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मतलब कितने सारे मॉलिक्यूल्स के पास वन मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, या टू मीटर पर सेकेंड के ग्रुप में कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, थ्री मीटर पर सेकेंड के ग्रुप में कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, राइट। एंड मैक्सवेल और एक मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं, और एक साइंटिस्ट भी था इसके साथ, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम्स, सो दिस पीपल वेर एबल टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, राइट। और उन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया, दिस इज हाउ द स्पीड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मॉलिक्यूल्स। मैं समझाऊंगा इस ग्राफ को, इसको हम मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बोलते हैं, राइट। सो इफ यू सी दिस ग्राफ वेरी प्रॉपरली, एक्स एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया है, स्पीड प्लॉट किया है, जीरो मीटर पर सेकेंड, वन मीटर, टू मीटर, थ्री मीटर, फोर मीटर, बात को समझो। तो वन मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको जो वाई का हाइट दिख रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है पता है, कि वन मीटर पर सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे तुमको, टू मीटर पर सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे, थ्री मीटर पर सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इस ग्राफ का जो टॉलेस्ट हाइट होगा इट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगा, देर हैज टू बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बात समझ में आने क्या कहा, देर हैज टू बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसमें ग्राफ का हाइट सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर ग्राफ का हाइट का रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑन दैट एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर, समझ में आया। इसमें हमने एवरेज को भी प्लॉट किया, इफ यू सी द ग्राफ प्रॉपरली दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। इसका जो टेल है, दिस टेल इज लॉन्गर, कैन यू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द लॉन्गर टेल, इसका मतलब क्या है। देखो लॉन्गर टेल का मतलब है स्पीड्स आर वेरी हाई, वी का वैल्यू बहुत बहुत हाई है, राइट। तो बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, बट देयर नंबर्स आर वेरी लेस। बात समझ में, मैंने क्या कहा, बहुत हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है पर उनका नंबर क्या है, लेस है। तो ये टेल लॉन्गर है लेकिन हेड शॉर्टर है, बिकॉज स्पीड तो जीरो से कम नहीं हो सकता, चालू तो जीरो से ही हो, खत्म कहाँ पर होगा, बहुत हाई स्पीड तक खत्म होगा। तो एवरेज किस तरफ टिल्ट करेगा बोलो, वेयर विल द एवरेज टिल्ट, द एवरेज विल टिल्ट टुवर्ड्स द राइट। बात समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर स्पीड्स क्या बहुत ज़्यादा है, देयर मॉलिक्यूल्स मे बी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट हैविंग वेरी हाई स्पीड, तो एवरेज राइट की तरफ टिल्ट कर जाता है। देखो मोस्ट ऑफ ऑल स्पीड के राइट की तरफ तुमको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड, और सबसे ज़्यादा तो आरएमएस स्पीड होता है, कुछ देर पहले समझाया था, तो आरएमएस इधर आए, इज़ क्लियर पक्का, ओके दैट्स ग्रेट। अगर मैं पूछूं कि इस पेन का लेंथ कितना है, क्या पूछा मैंने, इस पेन का लेंथ कितना है, कैसे मेजर करके बताओगे, स्केल लोगे, मेजर करोगे, बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर, मैं बोलूँगा 10 नहीं है ये, मैं और एक स्केल लेके आऊँगा जिसका एक्यूरेसी और भी ज़्यादा है तुम्हारे उस स्केल से, उससे मेजर करूँगा तो बोलूँगा ये 9.999 समथिंग है, तो 10 तो नहीं है। फिर जिंडिया के बोली सर मेरे पास ना और एक स्केल है जो आपके स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, वो और एक स्केल लेके आएगी, फिर मैं चेक करूँगा, मैं बोलूँगा 9.99998 कुछ ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, इज दैट क्लियर। तो अगर मैं तुमको पूछूँ कि मुझे 10 सेंटीमीटर का पेन चाहिए, प्रैक्टिकली 10 सेंटीमीटर का पेन होगा ही नहीं, मतलब निकालना मुश्किल ही होगा, बिकॉज वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि तुम मेजर किस एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, बिकॉज तुमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उससे अगर ज़्यादा एक्यूरेट या कम एक्यूरेट में कोई और मेजरमेंट और एक यू नो इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाओ तो इसका रीडिंग 10 और रहेगा नहीं। बात को समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर पक्का श्योर। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास
बहुत अलग अलग लेंथ ऑफ स्टिक्स है, 1 सेंटीमीटर का स्टिक, 2 सेंटीमीटर का स्टिक, 3 सेंटीमीटर का स्टिक्स, इज दैट क्लियर? मैंने बोला कि नहीं मुझे ना 1 सेंटीमीटर स्टिक्स का एक बंडल बना के दो, 2 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्टिक्स का एक बंडल बना के दो, 3 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्टिक्स का बंडल बना के दो, ऐसे करके बंडल्स बना के दो, ग्रुपिंग करके दो, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 सेंटीमीटर, राइट टू अंडरस्टैंड? तो तुम्हारे पास जो नॉर्मल स्केल है उसे तुमने मेजर किया, एक 1 सेंटीमीटर का बंडल बनाया, एक 2 सेंटीमीटर का बंडल बनाया, 3 सेंटीमीटर का बंडल बनाया, इज दैट क्लियर? मैंने पूछा कि इस बंडल में क्या, तुम लोग बोलोगे सर 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्टिक्स है, इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैं अपना नया स्केल लेके आया जिसका एक्यूरेसी और भी ज़्यादा है, उससे मैंने मेजर किया, तो मैंने देखा बहुतों का जो लेंथ है वो 1 नहीं है, 1.01 है, तो उसको मैंने निकाल दिया, बहुतों का लेंथ 9.99 है, उसको भी निकाल दिया, समझ में आया? और मेरे स्केल के अकॉर्डिंग जो 1 है उनको रख दिया, तो गुच्छा जो है वो छोटा हो गया, बिकॉज बहुत सारे निकल गए। मेरे बाद फॉर एग्जाम्पल समझित आया, उसके पास और भी एक्यूरेट स्केल है, बोला कि सर मुझे तो नहीं लगता है इसमें सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, मैं और एक बार मेजर करता हूँ, और एक बार मेजर किया, फिर से सेम चीज़ होगा, कुछ ज़्यादा आएगा कुछ कम आएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा गुच्छा से, फिर गुच्छे का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभी थ्योरेटिकली बता रहा हूँ तुमको, हाँ हाइपोथेटिकल है, ऐसा अगर करते जाओ 1 सेंटीमीटर का एक भी स्टिक नहीं मिलेगा तुमको, इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, प्रैक्टिकली नहीं बोला हाइपोथेटिकली सोचो, अगर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता जाओ तो 1 सेंटीमीटर का स्केल तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? तो ऐसे करके किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन की 1 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे स्टिक से वो बताओ, वो तो पॉसिबल नहीं है, समझ में आया? इसके साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। अगर मैं तुमको पूछता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड वाले स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स बताओ कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 मीटर पर सेकेंड कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो कभी फिक्स क्वांटिटी हो ही नहीं सकता, वो तो डिपेंड करेगा कि तुमने किससे मेजर किया है। इज दैट क्लियर? तो प्रॉब्लम दिख रहा है? और गेट लुकिंग एट द प्रॉब्लम, बोलो भाई पक्का प्रॉब्लम दिख गया ना? हाँ, कि वी स्पीड का कितना मॉलिक्यूल से ये निकालना पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं तुमको बोलूँ कि नहीं मुझे 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर्स के अंदर में, इस ग्रुप में, इस इंटरवल में कितने सारे स्टिक्स आते हैं ये चाहिए, विल इट नॉट बी ए बेटर ग्रुपिंग? क्योंकि 1.1 भी आ रहा होगा, 1.2 भी आ रहा होगा, 1.9 भी आ रहा होगा। दैट मीन्स ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब ये प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स बेटर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंटरवल्स, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंटरवल्स, कि 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर्स तक एक ग्रुपिंग बनाओ, राइट? फिर 2 से ज़्यादा और 3 से कम का एक ग्रुप बनाओ, फिर 3 से ज़्यादा 4 से कम का एक ग्रुप बनाओ, मतलब इंटरवल्स बनाने से ये वाला प्रॉब्लम जो है वो बहुत हद तक क्या होगा, सॉर्ट आउट होगा, एरर कम जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, अभी अगर तुमको और एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यहाँ पर स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने वहाँ पर स्टिक के लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन बोला, नंबर ऑफ स्टिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेंथ, मैंने रेंज बता दिया। तो अगर तुमको और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए और एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तुम इंटरवल को छोटा कर सकते हो। इफ़ यू डिक्रीज द इंटरवल यू विल गेट ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर्स के ग्रुप बनाओगे, 1.5 से 2 सेंटीमीटर्स के ग्रुप बनाओगे, 2 से लेकर 2.5 तक के ग्रुप बनाओगे, समझ में आ रहा है? मतलब इंटरवल जितना छोटा होगा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन उतना एक्यूरेट होगा, यस, उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन यू कैन टेंड टुवर्ड्स परफेक्शन बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द इंटरवल। बात समझ में आया? डू अंडरस्टैंड दिस, कि ये कहानी यहाँ पर भी वैलिड है। वहाँ पर नंबर ऑफ स्टिक्स के बारे में बात करें, यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने बोला 1 सेंटीमीटर के कितने सारे स्टिक्स हैं, मैं यहाँ पर पूछूंगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का कितना सारा मॉलिक्यूल्स है, बात तो एक ही है, समझ में आया? आगे जाके भी तुमको पता चलेगा। रेडिएशन के बारे में कभी सुना है? केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? तो फोटोन्स निकलता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है h nu। मैंने पूछा कि यू नो ये h c/λ होता है उसका एनर्जी, मैंने बोला λ1 वाले फोटोन्स कितने हैं बताओ, तुम बोल नहीं पाओगे, बिकॉज λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फोटोन्स है वो तो वेरी करते जाएगा। तो हम कैसे बोलेंगे, λ से लेके λ+d λ के रेंज में कितने सारे फोटोन्स है वो बताओ, वो बताना आसान है। λ से लेके λ+d λ तक, समझ में आया? तो हमने एक रेंज बता दिया, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ से V से लेके V+dV, ये रेंज कितना है, dV, इज दैट क्लियर? V से लेके V+dV के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो निकालो, वो निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? लेट्स से कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, dN नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने रेंज में, dV के रेंज में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है,
डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आया? मतलब 1 से लेके 1.5 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 1.5 मीटर पर सेकंड के रेंज में कितने सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं? मैंने बोला सर डी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड? क्या करोगे? व्हाट आर द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट लैम्डा बोलोगे? तो नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाई डी लैम्डा करोगे, नहीं करोगे? अरे डी लैम्डा से डिवाइड करोगे तो यूनिट क्या आएगा? समथिंग नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट लैम्डा, यूनिट तो यही आएगा ना? बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो हमने क्या कि हमने डी लैम्डा के लिए निकाला, फिर उसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके। तो वहाँ पर डी एन बाई डी वी जो तुमको दिख रहा है, डी वी स्पीड है, डी वी के रेंज में कितने सारे मॉलिक्यूल्स थे? यूनिटरी मेथड सोचो, यूनिटरी मेथड डी वी के रेंज में डी एन मॉलिक्यूल्स है, तो यूनिट रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? डी एन बाई डी, मतलब यूनिट रेंज में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, वो है डी एन बाई डी वी। इज दैट क्लियर? लेकिन निकालने के लिए हमने क्या निकाला? हमने यूनिट रेंज में कितना सारे मॉलिक्यूल्स है वो नहीं निकाला, हमने निकाला डी वी रेंज में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया? यूनिट मतलब क्या है? वन, एक पर्टिकुलर यूनिक स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे मॉलिक्यूल्स है ये नहीं निकाला हमने, एक यूनिक स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो हमने नहीं निकाला। हमने निकाला क्या? डी वी के रेंज में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है वो निकालना पॉसिबल है, उसको फिर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया डी एन बाई डी वी करके। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? सो ये हो गया डी एन बाई डी वी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड, राइट? एक यूनिक स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग कितने सारे मॉलिक्यूल्स है, पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, बढ़िया। मैंने ये लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड लिख के रखा डी एन बाई डी वी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया? अच्छा यहाँ लिखता हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? लेट्स सी, राइट? एरिया निकालने का टेक्निक क्या बताया था? बताया था क्या काइनेमेटिक्स के टाइम में? एरिया हम कैसे निकालते हैं ये तो पता होगा कि इस पूरे ग्राफ में एक छोटा सा स्ट्रिप चूज करेंगे हम, स्ट्रिप रेक्टेंगल बनेगा एक स्ट्रिप, उसका एरिया लिखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इमेजिन करो, चलो मैं इमेजिन नहीं चाहिए, मैं बना के देता हूँ। लेट अस से एक स्ट्रिप हमने चूज किया, यहाँ पर रेक्टेंगल होगा या नहीं है? इसका लेंथ कितना होगा, इसका ब्रेथ कितना होगा? होगा ना डीवी, बोलो ना, इज दैट क्लियर? सो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, डी एन बाई डी वी इंटू डी वी, चलेगा ना? ऐसे हम स्ट्रिप बाई स्ट्रिप ऐड करते जाएंगे, विल गेट द टोटल एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ से देखो डी वी डी वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी एन, एंड डी एन इज वॉट स्मॉल डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो डी एन डी एन डी एन डी एन ऐड करता जाऊँगा तो क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। बात को समझो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझो। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? पक्का? श्योर? पॉसिबल? ओके, एक चीज बता देता हूँ। वी ऑल नो कि स्पीड्स किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। सो इट इज अंडरस्टूड कि दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? लेट अस से दिस ग्राफ इज ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज कि अगर मैं इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, हाउ विल दिस ग्राफ चेंज? हाउ विल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड चेंज? कैन यू गैस? दैट इज ऑब्वियस, राइट? इट इज अंडरस्टूड कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे कि सर देखो सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाएगा, आरएमएस स्पीड भी राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, एवरेज भी राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, टेल और लंबा होगा और टेल वाले रीजन थोड़ा और ऊपर चढ़ जाएगा, बिकॉज नाउ मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव हायर स्पीड। बट जो तुमने नहीं सोचा वो ये है, तो जिंदा हो जा, चलो इसको बुला। जो तुमने ये नहीं सोचा वो ये है कि इस ग्राफ का हाइट छोटा हो जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसा हो जाए, ठीक है? मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा, बट ऐसे दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसके बाद तो तुम लिख ही सकते हो सब कुछ। तो ये टेल लॉन्गर हो गया और चौड़ा हो गया, बिकॉज अब इसी स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग विल हैव मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज द स्पीड हैज इंक्रीज, राइट? बट इफ यू सी द हाइट ऑफ द ग्राफ, द हाइट ऑफ द ग्राफ हैज फॉलन, इट इज ऑब्वियस, बिकॉज एरिया ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे तुम टेम्परेचर घटाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो अगर इस तरफ ग्राफ चौड़ा हो चुका है, इस तरफ एरिया बड़ा है, तो कहीं पर एरिया घटेगा, तो उसका जो हाइट है वो क्या हो जाता है, थोड़ा डिप कर जाता है।
क्योंकि एरिया हमेशा क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट, चाहे व्हाइट वाला ग्राफ हो चाहे पिंक वाला ग्राफ हो, दोनों ग्राफ के एरिया हमेशा क्या रहेगा, सेम, राइट। ये चढ़ गया, टेल लॉन्गर हो गया, टेल ऊपर राइज हो गया, बिकॉज अभी उसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग विल फाइंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट स्पीड, राइट। सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। कोई डाउट? पक्का करें? नया चीज नहीं, वी ऑल नो दैट एक गैस मॉलिक्यूल का अगर मैं पाथ को ट्रेस करूं किसी कंटेनर में, वो कुछ ऐसा होगा, रैंडम मोशन होगा, जाके वॉल्स के साथ टकराएगा, बाकियों के साथ टकराएगा, ज़िगज़ैग मोशन होगा, राइट, ज़िगज़ैग, क्लियर। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब कंटिन्यूसली बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है, द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिशंस वो भी बदल जाएगा। एक बात को समझो, एक मॉलिक्यूल जाके किसी के साथ टकरा रहा है, तो जब तक वो टकराता है उसके बीच में वो जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। नाम सुन के समझ में आ रहा है, फ्री पाथ मतलब एक कोलिशन से दूसरे कोलिशन तक का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन होगा ना डिस्टेंस। हमने तो यही माना कि गैस मॉलिक्यूल सीधा मूव करते हैं, टकराने के बाद बेंड हो जाएगा, लेकिन जब भी मूव करेगा कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा, इज दैट क्लियर। तो पहला कोलिशन और दूसरे कोलिशन के बीच का जो पाथ लेंथ है उसको हम फ्री पाथ बोलते हैं, इज दैट क्लियर। एंड यू विल ऑल एग्री कि सर देखो ये फ्री पाथ भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल हैव टू ट्रेवल डिफरेंट पाथ लेंथ टू अंडरगो द नेक्स्ट कोलिशन, ये भी कॉन्स्टेंट नहीं होगा। फ्री पाथ समझ में आया नहीं आया? बताओ फ्री पाथ क्या है? पहला कोलिशन से लेके दूसरे कोलिशन के बीच का जो फ्री पाथ है, जब तक वो कोलाइड नहीं करता, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो भी तो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए बदल जाएगा। तो ऐसे केस में भी हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एवरेज डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि स्पीड के केस में क्या था? स्पीड तो हर किसी का सेम नहीं था, तो हमने एवरेज डिफाइन किया। यहाँ पर फ्री पाथ भी सेम नहीं होगा, अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग फ्री पाथ होगा, तो हमने क्या डिफाइन किया? मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिशंस। क्या तुमको ये समझ में इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फॉर एग्जांपल इफ आई एम द गैस मॉलिक्यूल, अगर मैं इसके थ्रू पास करता हूँ, लेटर से मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? एक्स मीटर्स, राइट। और कितना बार कोलाइड किया लेटर से? वाई टाइम्स। तो एक्स बाय वाई करूँगा तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस पर कोलिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? डिस्टेंस पर कोलिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि मैंने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और इस पूरे प्रोसेस में मैंने वाई टाइम्स कोलाइड किया, तो एक्स बाय वाई करूँगा तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रैवल पर कोलिशन, राइट। वही लिख के देता हूँ मैं, लेकिन ये जो हम निकालेंगे इसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसको निकालने के लिए हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे, वो पहला एग्जाम्पल ये है, ध्यान से सुनना, जब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मूव करेगा तो बाकी लोग भी तो मूव करते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं भी मूव कर रहा हूँ, बाकी मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हम बोलेंगे हम जिस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं वही सिर्फ मूव कर रहा होगा, बाकी सब रेस्ट में रहेंगे। पहला एग्जाम्पल मेरे नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख नहीं रहा है। वट इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल? द मॉलिक्यूल अंडर कंसिडरेशन, जो कोलाइड करेगा, कोलाइड तो सब करते हैं लेकिन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व करके हम लैम्डा निकालना चाहते हैं, वो मॉलिक्यूल ही सिर्फ मूव करेगा, बाकी जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में रहेंगे। इज दैट क्लियर? फर्स्ट। सेकंड, जो मॉलिक्यूल मूव कर रहा है उसका ही साइज स्फेरिकल होगा, उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ डायमीटर होगा, बाकी जितने सारे बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके साथ जाके वो टकराएगा, ऑल ऑफ देम विल बी पॉइंट साइज्ड। बाकी सब कैसे होंगे मैं डायग्राम बनाऊंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ लाइन सुनते जाओ। क्या बोला मैंने? जिस मॉलिक्यूल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस एटम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जाके कोलाइड करेगा उसकी शेप को हम क्या लेंगे? स्फेरिकल। बाकी जितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या मानेंगे? पॉइंट साइज। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, नाउ रियल टाइम केस में क्या होगा? रियल टाइम केस में तो ऐसा नहीं होगा ना, जो कि कोलाइड कर रहा है उसी का स्फेरिकल है बाकी सब पॉइंट साइज है, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक्चुअली में क्या होगा? अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है पिक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये अगर सेंटर सी है, ये अगर सेंटर सी है, याद करो मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन में ये बताया था कि फॉर ए पर्टिकुलर गैस ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी आइडेंटिकल, स्फेरिकल, रिजिड, इलास्टिक मटेरियल्स, राइट। सो दोनों का शेप एंड साइज क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। तो इसके रेडियस को अगर मैं डी बोलता हूँ, इसके रेडियस को अगर मैं डी बोलता हूँ, वट इज द गैप बिटवीन द टू सेंटर्स एट द टाइम ऑफ कोलिशन? ये हो जाएगा 2D, राइट। जब दो मॉलिक्यूल टकराता है
उनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2D। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैंने जो एजम्पशन लिया उसमें मैंने अपने मॉलिक्यूल के साइज़ को स्फेरिकल रखा, लेकिन बाकी जितने सारे पॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको पॉइंट साइज बना दिया, तो जब कोलिशन होगा, ध्यान देना, जब कोलिशन होगा वो दिखने में कैसा होगा? ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, और वो किसके साथ टकरा रहा है? इसके साथ टकरा रहा है। ये हो गया पॉइंट साइज। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये हो गया पॉइंट साइज। लेकिन मुझे ये कंडीशन तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस व्हेन दे कोलाइड उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा? 2D। तो हम जिस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं उसका रेडियस डी नहीं होगा, क्या होगा? उसका रेडियस 2D होगा। बात समझ में आया? सो ये जो रेडियस है इसके बोले हम क्या ले लेंगे? 2D। सो कंडीशन एक ही जैसा रहेगा। देखो इस डिस्कशन में एरर तो है। पहला एरर क्या है? हमने बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को रेस्ट में माना। विल टेक दैट फैक्टर इनटू अकाउंट आगे जाके, लेटर जाके, आगे जाके। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या आ रहा था? हमने बाकी सबको पॉइंट साइज मान लिया था, राइट? इन ऑर्डर टू टेक दैट इनटू अकाउंट हमने अपने ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूल के रेडियस को 2 times बढ़ा दिया ताकि वो कंडीशन में कोई लोचा ना आए। 2D। इज दैट क्लियर? पक्का ना? इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये पूरा एक गैशियस सैंपल है। यहाँ पर पूरा चारों तरफ फैला हुआ क्या है? गैशियस मॉलिक्यूल से कोई मूव नहीं कर रहा, ऑल ऑफ देम आर एट रेस्ट। इसके लिए एक एरर आएगा विच विल टेक केयर ऑफ इट लेटर ऑन। यहाँ पर हमने सबको क्या माना? रेस्ट में माना। और ये जो है दिस इज आवर मॉलिक्यूल विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन जिसका रेडियस कितना है? 2D। इज दैट क्लियर? ये वी बार स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। वी बार क्या है? वी बार इज द एवरेज स्पीड। समझ में आया? वी बार इज द एवरेज स्पीड। इज दैट क्लियर? इसका रेडियस कितना है? 2D। वी बार से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना? और इस गैसीय सैंपल का जो डेंसिटी है, लेट अस से इसका डेंसिटी है एन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो गैसीय सैंपल है इसका डेंसिटी, मॉलिक्यूल डेंसिटी कितना है? एन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तक सबको समझ में आया? मुझे क्यों लग रहा है नहीं आया? आया? छोटा एन का वैल्यू समझ में आया? और इस छोटा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? अब जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर इस गैशियस सैंपल के थ्रू पास करेगा, वो कैसा ज्योमेट्रिकल शेप यू नो फॉर्म करके जाएगा? कितना कैसा कैसा ज्योमेट्रिकल शेप, क्या बोलते, स्वीप करके जाएगा वो बॉल अगर ट्रैवल करेगा तो? एक सिलेंडर बना के जाएगा, नहीं जाएगा? कम ऑन, बॉल अगर ट्रैवल करेगा तो कैसे जाएगा? एक सिलेंडर बना के जाएगा, नहीं जाएगा? मतलब कैसा वॉल्यूम स्वीप करके जाएगा? एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम क्या करेगा? स्वीप करके जाएगा। बोलो इसका फील आया नहीं आया? इज दैट क्लियर? सो लेट अस से कि ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज ट्रैवल्ड फॉर टी टाइम। कम ऑन, दिस पर्टिकुलर स्फेरिकल मॉलिक्यूल इज ट्रैवल्ड फॉर टी टाइम। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वी बार इंटू टी। अरे आइए ना, सो देखो, ध्यान से देखना पिक्चर। ट्रैवल जब करेगा ऐसा कुछ, एक स्पेरिकल वॉल्यूम क्या करेगा? ट्रेस करके जाएगा, स्वीप करके जाएगा। इज दैट क्लियर? और बात को समझो, इस येलो कलर के सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल्स उनको मिलेंगे, पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स, सबके साथ टकराया होगा। फील आया मैंने क्या कहा? इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर जितने सारे रेस्ट में पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स है सबके साथ टकराया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ द सिलेंडर? कैन आई से दैट इज वी बार इनटू टी? Can I say that the radius of the cylinder is 2D? Okay. So number of molecules here, क्या होगा? N is the number of molecules per unit volume. Unit volume में अगर N molecules हैं, इस cylinder का volume कितना होगा? Cross sectional area into length. Cross sectional area कितना होगा? Pi 2D the whole square into length, हम क्या लिख सकते हैं? V bar into T. कोई डाउट? ये हो गया वॉल्यूम और एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस पूरे वॉल्यूम में टोटल में रोशनी कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? एन इंटू वॉल्यूम। क्या होगा? दैट इज पाई 2D द होल स्क्वायर इंटू VT। वेरी वेरी सिंपल। और जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही कोलिशंस होगा। नंबर ऑफ कोलिशंस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। कम ऑन, जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सिलेंडर के अंदर पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स, उतने ही सारे क्या होंगे? कोलिशंस होंगे। इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूँ,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एन इंटू पाई फोर डी स्क्वायर वी बार इंटू टी। दिस इज एन एरर बिकॉज यहाँ पर हमने सारे मॉलिक्यूल्स को रेस्ट में माना है, वो बाद में विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, सो नंबर ऑफ कोलिशंस को भी मैं यही मानूंगा, बोलो रे। ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पीयर वी बार इंटू टी, नंबर ऑफ कोलिशंस इज दिस। सो वी आर रेडी टू फाइंड आउट द मीन फ्री पाथ, बिकॉज ऊपर हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेरिकल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ collisions, which means number of particles in that cylindrical volume which is swept by the solid sphere. Is that clear? बस अभी इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो lambda in this case ऊपर हम क्या लिख देंगे, v bar into t. Is that clear? और नीचे कितना collide हुआ, ध्यान से देखो यहाँ पर 4 pi n d square v bar into t. Is that clear? बोलो कोई डाउट, पक्का? ओके, पॉज करना। ठीक है, चलो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे बिकॉज बुक्स में जो एक्सप्रेशन है ना वो 4d square नहीं होता, मतलब d जो है यहाँ पर क्या है, रेडियस है ना हमारे गैस मॉलिक्यूल, हर एक गैस मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, हर एक गैस मॉलिक्यूल का रेडियस कितने है डी, बट हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको डायमीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना, इसका डायमीटर कितना है 2d, और 2d को हमने क्या लिखते हैं, डी नॉट, डी नॉट क्या हो गया डायमीटर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम वी बार इंटू टी, वी बार इंटू डी तो चला गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, ट्वाइस डी द होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये जो मॉलिक्यूल है ना, दिस इज द इनिशियल मॉलिक्यूल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एक्चुअल रियल मॉलिक्यूल्स जो कि टकराते हैं, ये तो हमारा बनाया हुआ मॉलिक्यूल है। एक्चुअली ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं इस मॉलिक्यूल का बात नहीं कर रहा, मैं किस मॉलिक्यूल का बात कर रहा हूँ, एकदम एक्चुअल गैसीय सैंपल का जो मॉलिक्यूल है। इज दैट क्लियर? उसका डायमीटर कितना, उसका रेडियस कितना था, डी था, उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2d। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर 2d की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाई पाई एन डी नॉट की होल स्क्वायर। डी नॉट क्या है, ऑफ ऑफ द जनरल मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट है, लेकिन इसमें लोचा, लोचा क्या है, यहां पर हमने बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को कैसे माना है, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को रेस्ट में माना है, बट उनको एक्चुअली मूव करना चाहिए, तो यहां पर हम एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, and that factor is introduced by considering the Maxwell's distribution of speed, because baki molecules kaise move karenge according to Maxwell's distribution of speed, right? To us factor ko agar hum leke aate hain, isko mita deta hu, oi oi suno, कंसिडरिंग मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, इस लैम्डा के वैल्यू में हम छोटा सा एक चेंज लेके आएंगे, दैट इज एक रूट टू मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज पाई एन इंटू डी नॉट स्क्वायर। समझ में आया? विल मल्टीप्लाई रूट टू एट द बॉटम। कैसे आया वो तो स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन से आया है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इज दैट क्लियर? बट इसको हमने लाया कैसे, बाई कंसिडरिंग द मूवमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हमने अपने मॉलिक्यूल को तो स्पेशल बनाया था, इसके चक्कर में हमने बाकी मॉलिक्यूल्स को रेस्ट में ला दिया था, उनके मूवमेंट को भी अगर मैं कंसिडर करूँगा तो एक रूट टू वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये तो समझने का कुछ नहीं, बस याद रखना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है, डन फॉर टुडे।